नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से राम राम। खबर डोडा इलाके से आ रही है और ये खबर बड़ी ही दुखद है। और कई बार सच में कुछ ऐसी खबरें आती हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसा इंसान करता है तो क्यों करता है। ये एक बड़ा ही दुखद समाचार है जो डोडा इलाके से आ रहा है। मेरे साथ इस खबर के ऊपर फ़ोन लाइन पे मौजूद होंगे हमारे संवाददाता अब्बास भी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं ये खबर क्या है। खबर यह है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक बाप ने अपने दोनों बच्चों को गोली मारी और उसके बाद उसने अपने आप को भी घायल कर लिया गोली मारकर, जबकि उनको जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो हमारे पास ये जो दुखद समाचार है इसमें तीन लोगों की जान गई है, दोनों बच्चों की भी और उनके पिता की भी। ये एक बड़ा ही दुखद समाचार है। पहले तो मैं तीनों की आत्मा की शांति के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये बड़ा ही दुखद समाचार है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, पुलिस का क्या कहना है, हमारे जो संवाददाता ग्राउंड पर हैं जो डोडा किश्तवाड़ से पूरी हमें रिपोर्टिंग करते हैं जेके मीडिया की, अब्बास, उनसे हम बात करेंगे। अब्बास, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जी अब्बास, ये क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है ये, और पुलिस का क्या कहना है? अशीष जी, ये विलेज गालू हलरंग तहसील काहरा में आता है और पंचायत जारू खुर्द में आता है और पुलिस स्टेशन गंदो के अंतर्गत आता है ये इलाका। और ये वहां की घटना है। ये रात को कोई 9:30 बजे के, 9 और 9:30 बजे के बीच की घटना है ये। तो वहां पे एक 38 साल सुनीत सिंह थे, जो सनाफ चुनी लाल है। उन्होंने अपने पहले दो बेटों को गोली मारी है और ये दोनों बेटे जो हैं ये माइनर थे। एक की उम्र जो है वो 17 साल है और एक की 15 साल है। बताते चलूं कि जो 15 साल के हैं उनका नाम कमलनाथ, कमलकांत है, और जो 17 साल के हैं उनका नाम चंद्रकांत है। इनको पहले गोली मारी है और ये दोनों वहां पे गिर गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को भी उसी राइफल से, 12 बोर की राइफल से अपने आप को भी गोली मार ली है। और गोली मारने के बाद ये जख्मी हो गए हैं और इनको तब वहां से शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल के लिए, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस घटना में तीन लोगों की जान गई है, दो बच्चों की और बाप की जान गई है। अब्बास, इसमें एक चीज़ ये मैं जानना चाहूंगा, ये सुनीत सिंह है, इनकी क्या बैकग्राउंड है, ये क्या काम करते हैं, कोई मतलब किस जी चीज़ जी में जी इन्वॉल्व है? मैं इसके बारे में, इनके बारे में बताता चलूं कि सुनीत सिंह जो है, जो अभी हमें सोर्स से पता चला है कि ये एक लेबरर का काम करते हैं और ये वहां लोकल ही काम करते हैं वहां पे। तो इनका जो मतलब कि कोई काफी कोई अमीर आदमी नहीं थे, कोई पैसे वाले आदमी नहीं थे, दिहाड़ीदार आदमी थे। तो इन्होंने पहले अपने आप को, पहले अपने बेटों को गोली मारी है और उसके बाद अपने आप को भी गोली मारी। अब हमारी पुलिस से भी बात हुई है, उनके अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन वो अभी कुछ इस पे कहने के काबिल नहीं है कि, क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। वो बिल्कुल कह अब्बास, रहे पूरी हैं इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन ये बंदूक इनके पास कहाँ से आई? क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि कहीं ये कोई VDC मेंबर या इनके पास कोई बंदूक, कहाँ से बंदूक आई कि इन्होंने पहले अभी ये किया? अभी अभी तक जो हमें इस खबर के ऊपर हमने जितनी अभी नजर डाली है और जो हमने हमें जानकारी मिली है अभी तक, उसमें यही पता चला है कि ये लाइसेंसी वेपन था अच्छा, और ये इनका अपना वेपन था और 12 बोर की राइफल थी और इससे ही इन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया है। और दोनों बेटे जो हैं वो अभी माइनर थे और अच्छा अब्बास, उनको, एक चीज़ और, इनकी धर्मपत्नी का कहाँ थी उस समय, कुछ इसकी जानकारी है? और क्या इनके दो ही बच्चे थे या और भी बच्चा था कोई? आशीष जी, अभी जो हमने, जो अभी इस पूरी खबर के ऊपर जब हमने पूरी नजर डाली है, तो हमने पहले तो सिर्फ ये खबर जो है इसको लेने की कोशिश की है कि इसमें हुआ क्या है। पुलिस अधिकारियों से बात हुई और क्योंकि इनके घर का जो बैकग्राउंड है वो अभी हमें नहीं पता चला है कि वो क्या था और उनके घर में फैमिली के कितने मेंबर हैं और वो उस वक्त कहाँ थे, ये इसके बारे में अभी नहीं पता चला है। लेकिन जैसे जैसे ये हम इसके ऊपर, पूरी खबर के ऊपर नजर रख रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। बिल्कुल अब्बास, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार घर में उस समय कौन कौन था, बंदूक इनके पास कहाँ से आई, क्या मतलब, जैसे आप कह रहे हैं कि लाइसेंस बंदूक थी,
तो जी अगर ये जी लेबर क्लास का ये अशी जी, ये बात अभी समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेज में ही सामने आ रही है कि वेपन जो था वो लाइसेंसी था और 12 बोर का था। लेकिन आगे जाकर क्या निकलता है, इसमें क्या मोड़ आता है जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उसमें क्या क्या मोड़ आते हैं वो अभी बाद की बात है। लेकिन अभी जो इनिशियल में जो बात आ रही है कि जो वेपन यूज किया गया वो 12 बोर का लाइसेंसी वेपन था। चलिए आप अब्बास इस खबर के ऊपर पूरी नज़र बनाए रखें, पुलिस के साथ भी राबता रखें, क्या कहते हैं और इस पे पूरी क्या जानकारी मिलती है और घर पे कौन-कौन लोग थे, मैं आपसे सुबह फिर से अपडेट लूँगा। जी जी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये काफी दूर दराज का इलाका है, वहां पे जहाँ जी पुलिस स्टेशन गंदो में आता है, लेकिन वहां से काफी दूर है और वहां तक पुलिस को भी पहुंचने में टाइम लगा होगा। जो वहां के इनके अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे उन्होंने हेल्प की होगी इनको हॉस्पिटल तक शिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये रास्ते में ही दम तोड़ गए तीनों। तो आज की ये एक बहुत बड़ी घटना है कि एक चीज हो रहा है अब्बास, अगर ये लेबर क्लास के थे, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी लॉकडाउन के कारण इनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही थी और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मतलब घर की हालात कुछ ऐसे, कुछ ऐसा कोई एंगल तो नहीं सामने आ रहा है? बिल्कुल ऋषि जी, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जब होनी शुरू हो जाएगी। अभी पुलिस तो वहां पहुंच गई है और पुलिस इस मसले पे पूरी नजर रख रही है और पूरे इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। इसके क्या कारण रहे हैं अभी वो बिल्कुल सामने नहीं आए हैं कि किस वजह से, क्या वजह रही है कि इन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि अपने दो बेटों को गोली मार दी है और खुद को भी गोली मार ली है। इसकी क्या वजह रही है अभी, इसके बारे में हम शायद आपको वही आपने कहा कि हम सुबह के जो वीडियो होगा उसमें इसमें डिटेल पूरी मिल ज़रूर सकेगी अब्बास, हमें। आप नज़र बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्बास हमारे पत्रकार हैं जो कि डोडा किश्तवाड़ पूरी रेंज को कवर करते हैं, धन्यवाद अब्बास आपका। अब्बास द्वारा जो जानकारी मिली है, ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है सुनीत सिंह, ये एक लेबर क्लास का काम करते हैं और इनके पास एक लाइसेंस्ड वेपन था जिससे इन्होंने अपने दोनों बच्चों को गोली मार दी। दोनों बच्चे जो हैं माइनर थे, यानी कि 18 साल से कम उम्र के दोनों बच्चे थे और ये जो सुनीत सिंह है इसकी उम्र भी 38 से 40 साल है। दोनों बच्चों को गोली मारने के बाद इस व्यक्ति ने अपने आप को भी गोली मार दी। अब ये नहीं पता कि इनकी धर्मपत्नी उस समय कहाँ थी या इनके दो ही बच्चे थे, ये जानकारी अभी कुछ नहीं है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, ये जो मामला है ये गंधोह पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन के अंडर आता है जो कि तहसील कारा है, ये विलेज गल्लू हलारन है डोडा का, जहाँ पर ये पूरी वारदात सामने आई है। इस खबर पे और भी कोई जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। तीन लोगों की मृत्यु एक साथ, बाप ने अपने दोनों बच्चों को पहले गोली मारी और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार दी। ये बड़ी खबर है एक डोडा इलाके से जो आ रही है, दुखद भी है। इन तीनों की आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखते रहें JK मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद, आप सभी को राम राम।